हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेल्स एंड ट्रेल्स पे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं क्राका नेशनल पार्क, जो लोकेटेड है क्रोएशिया के डैल्मेशियन कोस्ट में। ये जाना जाता है अपने बेहद खूबसूरत नेचर और रिच बायोडायवर्सिटी के लिए। ये पार्क लगभग 109 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्राका नदी जो इन पहाड़ों के बीच बहती है, उसी के नाम पर यह पार्क का नाम रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ आपको क्या क्या देखने और करने मिलेगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम क्राका नेशनल पार्क जा रहे हैं जडार से। जडार से ये लगभग 1 घंटा की दूरी पे है। हमने एक गाइडेड टूर बुक किया है जो हमें पार्क के साथ साथ और एक सरप्राइज एक्सपीरियंस देने वाला है, जो आपको हम आगे व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। ये टूर हमने बुक किया गेट योर गाइड से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसका प्राइस पर पर्सन 50 यूरो था। इस प्राइस में पार्क का एंट्री फीस इंक्लूडेड नहीं है। जडार ओल्ड टाउन से ग्रुप में एक बड़ी वैन से निकले हुए हैं सुबह 7:30 बजे और पहुंच रहे हैं एक गांव जिसका नाम है स्कार्डन। स्कार्डन आपका एंट्री पॉइंट है इस पार्क को। यहां हमें टिकट मिलेगा नेशनल पार्क एंट्री के लिए, जिसका प्राइस है 30 यूरो पर पर्सन समर सीजन में। यहाँ से आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो जाएगा। अब आपको जाना है बोट से पार्क के अंदर, एकदम पहाड़ों के बीच। हर आधे घंटे में बोट जाती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लाइन में सबसे आगे हम लोग खड़े थे ताकि हम लोग को अपने चॉइस वाला सीट मिले, ताकि हम लोग थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकें और व्यू भी इन्जॉय कर सकें। तो तब तक आप नज़ारा इन्जॉय करें। जैसे बोट रुकेगी आपको फिर से बताते हैं कि क्राका नेशनल पार्क में आप क्या क्या कर सकते हैं। लगभग 40 मिनट लगा मेन वाटरफॉल तक पहुंचने में, जिसका नाम है स्कार्डन्स की बुक। और इस एक वाटरफॉल में 17 छोटे वाटरफॉल्स हैं। डॉक से हमें वॉक करना है वाटरफॉल की तरफ और ब्रिज से आप मन मर्जी जितना फोटो खींच सकते हैं। हमने भी काफ़ी सारे फोटोज खींचे और आपको ये फोटोज हमारे इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा। तो हमारा पेज टेल्स एंड ट्रेल्स चेक कर सकते हैं सारा फोटोज देखने के लिए। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम स्क्रीन पे शो हो रहा है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो क्लिक करके चेक कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं।
यहाँ से आप अपहिल हाइक कर सकते हैं। यह हाइक काफ़ी एज फ्रेंडली है, बच्चे बूढ़े सबके लिए करना पॉसिबल है। वैसे तो मैं बताना भूल गई कि पार्क के स्टार्टिंग से भी आप हाइक कर सकते हैं यहाँ तक, अगर आप बोट नहीं लेते हैं। लेकिन वो हाइक थोड़ा डिफिकल्ट होगा और काफ़ी रास्ता आपको चलना पड़ेगा, तो बोट आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। जाते टाइम ऊपर आप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें से एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। ये यूरोप का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, जो कि एक बहुत जाने माने क्रोएशियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के आइडियोलॉजी पे बनाया गया था। और आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक काफ़ी पुराना चर्च देखने मिलेगा और काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स देखने मिलेंगे। यहाँ वॉशरूम और खाने पीने की दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आप कैश कैरी कीजिएगा यूरोज में, जैसे कि अभी क्रोएशिया में वो यूरोपियन यूनियन में मूव हुआ है तो यूरोज यूज़ होने लगा है। बट यहाँ पे हम लोग ने ये फील किया कि मतलब यहाँ पे वो कार्ड सिस्टम थोड़ा सा कम चलता है, इसलिए कैश की ज़रूरत होती है, तो कैश रखना आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पार्क इतनी बड़ी है कि एक दिन में घूमना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मन ख़राब मत कीजिएगा कि अगर आपका पूरा कवर नहीं हो पाया, जितना हो सके उतना कवर कीजिएगा। तो अब है सरप्राइज एक्सपीरियंस की बारी। उससे पहले आई होप आप लोग को क्राकर नेशनल पार्क पसंद आया हो और आप जल्दी ही प्लान करेंगे ट्रिप क्राकर नेशनल पार्क के लिए। ये वीडियो जरूर उसमें हेल्प करेगा। अब हम पार्क से एग्जिट करेंगे और पहाड़ के और ऊपर जाएंगे एक गांव में जिसका नाम है प्लास्तोवो। यहाँ हम करने वाले हैं लोकल वाइन टूर एट स्लैडिक वाइन। इसमें हमें लोकल शीप मिल्क चीज़, जिसको पार्क चीज़ बोलते हैं, और 4 वाइन टेस्टिंग करने मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस है और हम काफ़ी एंजॉय किए। कंप्लीट इटालियन सेटअप है और इससे पता भी चलता है कि क्रोएशिया पहले इटालियंस के द्वारा रूल किया जा रहा था। और काफ़ी टेस्टी वाइन्स थे और हमें काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा लगा। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये सेम ट्रिप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वो लिंक क्लिक करके इस ट्रिप को बुक कर सकते हैं। और अब तो क्रोएशिया स्कैंजन वीज़ा में भी आ गया है, तो किस बात का वेट कर रहे हैं? जल्द से जल्द आप अपना टिकट्स बुक करें, ट्रैवल करें, इस वीडियो को देखें, इसको सेव करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक यू।